पटना के मशहूर खान सर बुरा फंस गए हैं। ये वही खान सर हैं जो अपने पढ़ाने के अंदाज की वजह से काफी सुर्खियां बटोरते रहे हैं और इनके वीडियो काफी वायरल हुए थे, लेकिन अब वो विवादों में हैं। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट हंगामे में उनके खिलाफ पटना के पत्रकार नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। आगे आपको खान सर के बारे में सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बताते हैं कि क्या है पूरा मामला और खान सर पर एफआईआर क्यों दर्ज हुई। खान सर अकेले नहीं है जिन पर केस दर्ज हुआ है। उनके अलावा एस के झा सर, नवीन सर, अमरनाथ सर, गगन प्रताप सर, गोपाल वर्मा सर और अलग अलग कोचिंग संचालकों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। इन सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 151, 152, 186 समेत 120B के तहत केस दर्ज हुआ है। दरअसल 24 जनवरी को पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर छात्रों ने जोरदार हंगामा किया था। इसी मामले में 300 से 400 अज्ञात लोगों पर भी केस दर्ज किया गया। इसी दौरान कई छात्रों को हिरासत में लिया गया था। पुलिस के सामने इनके दिए बयान के आधार पर खान सर और दूसरे कोचिंग संस्थान चलाने वालों पर मुकदमा दर्ज किया गया। बता दें कि बिहार के अलग अलग शहरों में आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर पिछले कई दिनों से हंगामा मचा है। रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाते हुए छात्र सड़कों पर हैं। गुस्साए अभ्यर्थियों ने सबसे ज्यादा नुकसान रेलवे को पहुंचाया है। इसकी वजह से कई ट्रेनें रद्द कर दी गई, जबकि कई ट्रेनों का रूट बदलना पड़ा। पटना जिला प्रशासन ने कोचिंग संचालक खान सर समेत ऐसे कोचिंग संस्थानों के ऊपर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है जो कहीं न कहीं छात्रों को सपोर्ट कर रहे थे। हालांकि खान सर का कहना है कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। उस नोटिफिकेशन में था कि जो 1.5 करोड़ लड़के हैं जो ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं, अब उनसे मेंस का एग्जाम लिया जाएगा। बताइए, 2019 में हम फॉर्म भरा है, फरवरी में एग्जाम है, 15 दिन पहले कहिएगा कि आपसे मेंस का एग्जाम लिया जाएगा। जो 1.5 करोड़ लड़के घर में बैठे थे वो अनऑर्गेनाइज तरीके से बिना किसी प्लान से सीधे चले आए, जिस वजह से ये जो भी जो घटनाएं हुई हैं वो है। ये घटनाएं कहीं से भी सही नहीं है। हम लोग तो खुद रोक रहे हैं, हम लोग तो प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। कहीं से आपको लग रहा है कि हम कहीं भी रोके हुए हैं? खान सर पटना में अपना कोचिंग सेंटर चलाते हैं और बच्चों को जनरल स्टडीज की कोचिंग देते हैं। बच्चों को पढ़ाते वक्त या फिर अपने वीडियो में वो भोजपुरी और मैथिली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उनका यही स्टाइल लोगों को खूब पसंद आता है। खान सर का पूरा नाम किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इनका नाम फैजल खान है। वहीं कुछ का कहना है कि इनका नाम अमित सिंह है, लेकिन ये खान सर के नाम से मशहूर हो गए। हालांकि खान सर ने अभी तक अपने नाम का खुलासा पब्लिक डोमेन में नहीं किया है। खान सर खान जीएस रिसर्च सेंटर के नाम से अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, जो छात्रों के बीच काफी पॉपुलर है और इस यूट्यूब चैनल के 13.9 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर भी हैं।